हेलो हैवी राइडर्स, क्या हाल है सबके। आज मैं तुम सबके लिए लेके आया हूँ एक नया रिव्यू। आज हम रिव्यू करने वाले हैं होंडा एक्टिवा को, जो कि 6G के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है होंडा एक्टिवा OBD2 का। ये डीलक्स मॉडल है जिसमें तीन मॉडल आते हैं, स्टैंडर्ड, डीलक्स और हमारा एच स्मार्ट। थोड़ा हायर वेरियंट है, उसमें काफी चीजें आपको कीलेस फीचर मिल जाते हैं, बट लेकिन जो ज़्यादा प्रैक्टिकल लगी मुझे वो ये जो डीलक्स मॉडल है वो मुझे लगा, क्योंकि जो काफ़ी कीलेस फीचर्स हैं उनका हम लोग यूज़ नहीं कर पाते और वो ओवर द टाइम ख़राब हो जाते हैं। बट लेकिन वही है ना भाई, ऐसी चीज़ लो दादा ले और पोता बरते, ये वैसी चीज़ है। मतलब किक स्टार्ट भी है, सेल्फ स्टार्ट भी है, इसमें सारे वो फीचर मिल जाएंगे आपको जो कि एक आम आदमी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो इसके सेगमेंट में काफ़ी सारी स्कूटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि हीरो जूम अभी एक लॉन्च की है, वो काफ़ी लुक वाइज इससे ज़्यादा अपीलिंग है। बट लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल मुझे लगी, क्योंकि होंडा एक्टिवा जब से 2001 से लॉन्च हुई है और 2023 तक सबसे लंबा सफर होंडा एक्टिवा का ही रहा है, और जो स्कूटीज हैं वो भी काफी ठीक हैं, बट लेकिन होंडा एक्टिवा की सर्विसेज भी इजीली अवेलेबल हैं। जो मिस्त्री हैं उन्हें भी सारी चीजें आसानी से पता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो तुम इजीली उन्हें ठीक करा सकते हो। तो आइए इसकी सारी स्पेसिफिकेशन जानते हैं और उसके बाद हम लोग इसे सिटी राइड में टेस्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग हेड से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसके फ्रंट हेडलैम्प्स की बात करूं तो वो हमें LED हेडलैम्प मिल जाते हैं, मैं तुम्हें जला के दिखा देता हूं अभी। इंडिकेटर जो है उसमें वो हैलोजन इंडिकेटर्स हैं, जो कि LED इंडिकेटर्स हो सकते थे। अगर बात करूं मैं इसके व्हील्स की, तो इसमें हमें ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, इन कंपैरिजन टू ओल्डर जनरेशन स्कूटी जिनमें हमें ट्यूबलेस टायर्स देखने को नहीं मिलते थे। इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। अगर मैं इसके व्हील्स की बात करूं तो इसमें अभी भी हमें वही जो लोहे वाला फ्रेम है, जो रिम है इसके, वो देखने के लिए मिलते हैं। इसमें हमें एलॉय व्हील्स देखने के लिए नहीं मिलते, जबकि जो एच स्मार्ट है उसमें हमें एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे इसमें काफी मजबूत ये हमें रिफ्लेक्टर्स दे दिए गए, जो कि रात में काफी सही काम करने वाले मुझे लगता है। एक्टिवा मुझे एक जो सबसे बढ़िया बात लगती है वो ये है, जो एक्टिवा की मजबूती है, अभी भी एक्टिवा देखो स्टील का फ्रेम दे रहा है। आइए अब बात करते हैं इसके ब्रेक्स की। इसमें हम लोगों को मिल जाते हैं ड्रम ब्रेक्स, स्कूटीज में पहले की तरह ही अभी भी इसमें ड्रम ब्रेक्स दिए हुए हैं, बट लेकिन जो हीरो जूम है इसका जो कंपटीटर है उसमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। तो ये जो होंडा एक्टिवा है ये इस चीज पर थोड़ा काम कर सकते हैं इन फ्यूचर की ये लोग भी इसमें डिस्क ब्रेक प्रोवाइड कराए, बट लेकिन इसमें कॉम्बी ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है वही जो पल्सर NS में है, कि अगर पिछला ब्रेक अप्लाई करोगे तो अगला ब्रेक भी अप्लाई होने वाला है। यहाँ पे हमें मिल जाता है एक्टिवा की काफी प्यारी सी बैजिंग, यहाँ पे 6G 5G सब हटा दिया गया है जब से OBD2 आया। OBD2 कंप्लायंस है, जो BS6 था वो BS6 OBD फेस 1 था, OBD फेस 2 कर दिया गया। एक जो स्कूटर है या कोई भी बाइक है कार है उसके अंदर एक OBD कनेक्टर दिया हुआ होगा, और अगर जो व्हीकल है वो एमिशन ज्यादा करता है, इसके कुछ इंजन में प्रॉब्लम है या फ्यूल में कोई दिक्कत है, तो वो इंडिकेटर जो है वो ऑन हो जाएगा। और ये यहाँ पे इसमें पायदान दिया गया है, यहाँ पे हमें दिए गए हैं फुटरेस्ट वही है पहले की तरह है। यहाँ पे हमें इसकी मिल जाती है किक, और ये काफी बढ़िया चीज है। यहाँ पे हमें मिल जाता है इसका साइड स्टैंड के साथ साथ अगर ये साइड स्टैंड कट सेंसर भी इसमें अवेलेबल करा देते तो काफी ये एक एडिशनल फीचर हो जाता। आजकल जैसे सभी बाइक्स में आने लग रहा है और धीरे धीरे सारी स्कूटर में भी ये कंपनियां देने लग रही हैं कि अगर साइड स्टैंड नीचे है तो स्कूटी बंद हो जाएगी, बट लेकिन ये चीज इसमें अभी एब्सेंट है। हो सकता है जो नेक्स्ट वेरिएंट आए, जो नेक्स्ट अपडेट आए उसमें ये चीज इंप्रूव कर दे। स्कूटी की जो सीट है वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, काफी लंबी है, चौड़ी है। अगर मैं यहाँ पे बैठूं तो ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसका जो कुशन है वो ठीक ठाक है मतलब, और पिलियन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। पहले की तरह ही जो स्पेस है स्कूटी की सीट का वो बिल्कुल भी कम नहीं करा गया है। बैक की लाइट है वो भी LED है, फ्रंट में और बैक में दोनों जगह हैलोजन इंडिकेटर्स दिए गए हैं। यहाँ पे हमें मिल जाता है स्कूटर का एग्जॉस्ट मैं तुम्हें अभी सुनवा दूंगा। अब बात करते हैं स्कूटी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ये चाबी ऑन होगी इसकी, और यहाँ पे जो हेडलाइट है उसकी लाइट दिखा रहा है, और यहाँ पे इसका जो मीटर है वो दिया गया है। स्कूटी चल चुकी है 879 किलोमीटर, और 0 से लेके लगभग 110 की स्पीड तक इसका दिया गया। यहाँ पे हाई बीम लो बीम की लाइट दी गई है, यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है, और ये स्कूटी का हॉर्न जो काफी ठीक ठाक है। यहाँ पे दिया गया है किल स्विच की जो क्वालिटी है वो थोड़ी इंप्रूव हो सकती थी जितना मुझे लगता है। यहाँ पे दिया गया है सीट का और फ्यूल का स्विच, अगर हम इसे बीच में कर देते हैं ये ऑन है, अगर हम इसे बीच में कर देते हैं यहाँ से हम इसकी जो सीट है वो ओपन कर सकते हैं। जैसे तुम देख सकते हो सीट में काफी बड़ा स्पेस दिया गया है, हम इसमें एक जो हाफ साइज हेलमेट होता है वो रख सकते हैं, और काफ़ी सारे सामान रख सकते हैं। जैसे अभी भी इसमें कुछ जो कागज़ हैं वो पड़े हुए थे तो ये इसी में रख देते हैं हम लोग, तो काफ़ी स्पेस दिया गया है इसमें। और इसके बाद ये जो ऊपर वाला स्विच है अगर हम इसे दबाते हैं तो यहाँ से हमारा जो फ्यूल का ही स्पेस है वो खुल जाती है, और इसे घुमाओ और तेल पड़वा सकते हो। बट लेकिन ये जो फ्यूल का ढक्कन है ये भाई प्लास्टिक का ढक्कन है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी कमजोरी यहाँ पे लग रही है, का जो ढक्कन है वो थोड़ा कमजोर है, तो उसे तुम आराम से खोलना और आराम से बंद करना। अब बात कर लेते हैं भाई जो हमारा स्कूटर है उसके दिल की, देखते हैं इसका दिल कितना साफ है। इस स्कूटर का जो इंजन है वो आता है 109.51 cc में, और इसका जो कर्ब वेट है वो है 106 किलो। अगर मैं इसके पावर की बात करूं तो इसमें हमें मिल जाती है 7.73 BHP और 8.90 Nm का टॉर्क, पावर से ज्यादा टॉर्क दिया गया है, तो इसका मतलब पिकअप
सेटअप में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जो स्कूटर होते हैं वो बेसिकली सिटी यूज के लिए होते हैं। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे आप थोड़ा सा भी थ्रोटल ऐसे करते हो तो स्कूटी एकदम बढ़िया आपको पिकअप देने वाली है। स्कूटर की जो सीट हाइट है वो है 692 nm, जो कि 95% स्कूटी से कम है। तो इससे आपको काफी एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि जो शॉर्ट हाइट वाले राइडर हैं, इन जो लेडीज हैं वो चलाने वाली हैं स्कूटी को, तो उनकी हाइट लगभग 5 फुट 1-2 इंच के आसपास होती है, तो उनके पैर भी इजीली टिक सकते हैं। अब ये साइड स्टैंड पे मैं इसे हटाता हूँ। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, बट लेकिन जो इस स्कूटी को राइड करने वाली हैं, हमारी जो माताएं बहनें हैं, तो उनकी हाइट जो जनरली होती है वो 5 फुट 2-3 इंच के आसपास होती है। तो अभी मेरी 5'8" है, तो मेरे पैर पूरे टिक रहे हैं और मेरे घुटने भी थोड़े मोड़े हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जिनकी 5 फुट 2 इंच के आसपास भी हाइट होगी, वो भी स्कूटर को इजीली चला सकते हैं और सिटी में मैनूवर कर सकते हैं। अभी मैं इसे आगे भी कर सकता हूँ और मैं इसे पीछे भी इजीली कर सकता हूँ। तो अब फटाफट स्कूटी को चला के देखते हैं सिटी में और देखते हैं कि स्कूटी का रिस्पॉन्स कैसा है। और अब हम लोग चलने वाले हैं थोड़ा सिटी राइड करने के लिए। स्कूटी का पिकअप तगड़ा है एकदम भाई, निकल के पड़ रही है। इनिशियल जो है स्कूटी का काफ़ी बेहतरीन है, और पिलियन के बावजूद भी स्कूटी का जो स्टार्ट है वो काफ़ी बेहतरीन है। लेट्स गो, 40 की स्पीड भाई। स्कूटी का पिकअप काफ़ी मस्त है। अगर मैं पिकअप की बात करूं तो सिटी में, और जो सस्पेंशन है, क्योंकि रोड काफ़ी ख़राब हो रखी है, गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं रोड में पूरे, तो उस हिसाब से जो स्कूटी है उसका जो एब्जॉर्प्शन है इसके सस्पेंशन का, अभी यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ओके, सस्पेंशन का जो रेस्पॉन्स है वो काफ़ी बढ़िया है, जो सारे गड्ढे हैं उन्हें ठीक ठाक एब्जॉर्ब कर रही है स्कूटी। ज़्यादा शॉर्ट सस्पेंशन भी नहीं है और ज़्यादा हार्ड सस्पेंशन भी नहीं है, पर हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि जो गड्ढे आएंगे उन सबको जो स्कूटी है वो ईज़िली हैंडल कर लेगी। और स्कूटी की आवाज़ काफ़ी मस्त है यार, मतलब जो ओल्ड स्कूटी होती थी वो जो घड़ घड़ करती थी ना, वो घड़ घड़ नहीं है, एकदम मक्खन चल रही है। अभी नई भी है, हो सकता है इस वजह से हो। और अभी टेस्ट करते हैं इसके ब्रेक्स, 40 से देखते हैं कितनी दूर में रुक जाती है। ये भाई मस्त। अब टेस्ट करते हैं इसके पीछे वाले ब्रेक, 40 की स्पीड। पीछे वाले जो ब्रेक हैं उनकी बाइट ज़्यादा बढ़िया नहीं है, बट लेकिन जो फ्रंट ब्रेक्स हैं उनकी काफ़ी जो बाइट है वो काफ़ी एकदम ग्रैब कर लेता है एकदम टायर को, और काफ़ी बढ़िया पकड़ बनाता है टायर के ऊपर। रियर ब्रेक्स हैं वो उतना अच्छा रेस्पॉन्स यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा, बट हाँ अगर तुम लोग नॉर्मल स्कूटी को राइड करते हो तो काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है। कर्व्स के ऊपर भी जो स्कूटी है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है, जो स्कूटी के टायर्स हैं वो ठीक ठाक ग्रिप दे रहे हैं। थोड़ा भगाते हैं इसे, 50, 60। ओके, पिलियन को पीछे बैठाने के बाद जो स्कूटी है वो अराउंड 65 की स्पीड तक जा रही है। थोड़े ही स्पेस में जो स्कूटी है वो मुड़ जाती है और यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे कि तुम देख सकते हो ये छोटी सी जगह में ही स्कूटी पूरी मुड़ जा रही है। बात करूँ अगर मैं इंजन के वाइब्रेशंस की, तो 60-65 की स्पीड पे भी मुझे कोई वाइब्रेशन कुछ खास महसूस नहीं हुए हैंडल बार्स पे। स्कूटी जो है काफ़ी रिफाइंड इंजन के साथ आती है। अब यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं टर्न, तो देखते हैं जो इसके मिरर्स हैं कैसा काम करते हैं। मिरर्स काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं पीछे की। एक छोटा हाथी आ रहा है, टाटा मैजिक। अगर मैं बात करूं इसके माइलेज की, तो अराउंड आप 55-50 के आसपास इसका माइलेज मिलने वाला है, जो कि एक काफ़ी बढ़िया एवरेज है अगर सिटी के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि सिटी में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक और काफ़ी ज़्यादा जैम वगैरह रहता है, तो उस हिसाब से जो इसकी माइलेज है वो काफ़ी बढ़िया है। और ये देखो हमने स्कॉर्पियो को पीछे कर दिया अपनी स्कूटी से ही। और जो बाइक की हैंडलिंग है, मनूवरिंग है, वो देखते हैं कैसी है, वो भी ठीक है, मनूवरिंग काफ़ी बढ़िया करती है भाई। ओ भाई साहब,
इंस्टेंट ब्रेक दिखा भी नहीं। मुझे लगता है अगर स्कूटी में थोड़ी पावर ज़्यादा दे देते, मतलब 1 HP भी कर देते जितना टॉर्क है उतनी हॉर्स पावर कर देते, तो जो इंजन का पंच है वो काफ़ी और बढ़िया हो सकता था। जो स्कूटी का टॉप एंड है वो और बढ़ सकता था, जो कि स्कूटी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि सिटी में हम उतना तेज़ राइड कर नहीं पाते, और लॉन्ग राइड्स के लिए 60 किलोमीटर तक तो स्कूटी कोई दिक्कत नहीं करने वाली आपको। कुशनिंग है वो काफ़ी बढ़िया है सीट की, अभी तक मुझे बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। अभी तो वैसे राइड भी छोटी की है, बट लेकिन फिर भी जो कुशनिंग है वो स्कूटी के काफ़ी सही है, और जो सिटिंग स्टांस है वो भी काफ़ी सही है। जो कंधे हैं वो पूरे रिलैक्स हैं, एकदम हाथ मेरे नीचे आके रखे हुए हैं, लटके हुए हैं मतलब। ओह माय गॉड, एक चीज़ जो मुझे मिसिंग लग रही है बाइक से वो है जो LED स्विच नहीं है इसमें। जो ये स्विचेज हैं वो लिड स्विच हो सकते थे, मतलब जो रात के टाइम पे जलते हैं, तो काफ़ी जो लुक है वो स्कूटी का वो काफ़ी एनहेंस हो सकता था। ये छोटी छोटी डिटेलिंग है जो एक स्कूटी को आउटस्टैंडिंग बना देती है, भीड़ से अलग बना देती है। बाइक की मनोवरिंग में कोई दिक्कत नहीं है, बाइक बहुत ईजिली मनोवर हो रही है ट्रैफिक में। तो आगे में अगर स्पेस की बात करूँ तो काफ़ी बड़ा स्पेस है, मेरे पूरे पैर काफ़ी अच्छे से रखे हुए हैं। अरे अच्छा अच्छा, कहाँ से आ गए आप? मेरा बैग भी रखा हुआ है काफ़ी बड़ा। तो स्पेस जो आगे आपको मिलने वाली है वो काफ़ी बढ़िया स्पेस मिलने वाली है। अब फाइनली बात करते हैं उस डिसीजन की कि क्या तुम्हें ये स्कूटर लेना चाहिए या तुम्हें ये स्कूटर नहीं लेना चाहिए। अगर मेरे पास इतने पैसे हों, 96,000 के आसपास ये और नोट पड़ रहा है, 96,000 मेरे पास हों, तो क्या मैं ये स्कूटर लूँगा? मैं कुछ बातें बता देता हूँ, उसके बेस पर तुम ये चीज़ डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले तो जो भी चीज़ तुम्हें खरीदनी है भाई, मेक श्योर उसकी तुम एक टेस्ट राइड लो, उसके बाद ही तुम डिसाइड कर पाओगे कि क्या चीज़ तुम्हारे लिए बेस्ट है। यहाँ पे मैंने तुम्हें सारे फीचर्स बताए हैं, राइड क्वालिटी के बारे में बात की है, कुशनिंग की, इंजन की, सारी बात। सेकंड बात आती है, ये 110cc का स्कूटर है, इसमें रिलायबिलिटी है होंडा की। होंडा 2001 से है स्कूटर मार्केट में, तो होंडा का जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो सबसे पहले आ जाता है। अगर 110cc में ही मैं बात करूँ तो जो हीरो जूम है उसके जो फीचर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं होंडा एक्टिवा से, बट लेकिन वही है जो रिलायबिलिटी फैक्टर है वो होंडा का ज्यादा है, जो फीचर्स हैं वो हीरो में ज्यादा है। किसी स्कूटर में पावर ज्यादा है, किसी का माइलेज ज्यादा है, पर ये चीज़ तुम जब ही डिसाइड कर पाओगे जब तुम एक टेस्ट राइड ले लोगे। तो भाई मेक श्योर जो भी चीज़ तुम खरीदना चाह रहे हो, बाइक, स्कूटी, कार, जो भी हो, तुम उसकी टेस्ट राइड जरूर लो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ और राइड रिस्पॉन्सिबली। टेक केयर, गुड बाय और टाटा।